दल है उसके द्वारा एक जो संगठन में जो है ना महागठबंधन के एक जो रैली निकलने वाली है यहाँ से, और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता है मिलिंद वाडेकर जी जो बीजेपी के यहाँ का स्थानीय नेता है और इनके पूरा मुंबई में अच्छा प्रभाव है, लोग जानते हैं। तो हम इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार कितनी सर, अब की बार कितनी, अब की बार 450 बार और 50 सीटें बढ़ेंगे अभी, और 50 सीटें बढ़ाने पे ही लगे, कहीं 500 तक तो नहीं टच करने वाले, नहीं 500 नहीं 450 पार होएगा। तो सर क्या लग रहा है, क्या माहौल है, कैसा प्रचार प्रसार चल रहा है? देश में अच्छा माहौल है, सब मोदी जी के फेवर में है। मोदी जी ने 10 साल जो काम किया है उसके ऊपर वोट होने वाला है। जो मोदी जी ने काम किया सबको पता है क्या क्या काम किया है, 10 साल उन्होंने जैसे देश को संभाला है। मोदी जी को देख के अच्छा खासा वोटिंग होने वाला है। सर आप लोग भी आरोप लगता है कि आप लोग तो हिंदू मुस्लिम कराते हैं और काम धंधा कुछ करते नहीं है, ऐसा कांग्रेस वाले और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आपसी इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, और तो क्या सही में ऐसी है क्या? मोदी जी ने जो भी विकास किया है, जो भी डेवलपमेंट किया है, उस डेवलपमेंट का यूज़ सारे धर्म के पार्टी करते हैं। जैसे रास्ता बनाया है, ब्रिज बनाया है, सारे धर्म के लोग यूज़ करते हैं। मोदी जी ने कभी धर्म जात नहीं किया है, ठीक है हिंदू का फेवर किया है, लेकिन सभी धर्मों को सभी जाति को लेकर चलते हैं मोदी जी। इनका ऐसा मानना है कि मोदी जी कभी पक्षपात नहीं करते, सबका साथ सबका विकास के नारा के साथ ही वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो सर क्या लगता है कि अभी जो 400 आएगा तो या 400 पार करने वाले हैं, अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार आने वाले, तो आप लोग क्या क्या उम्मीद लगा के रखे हैं जो कि मोदी जी सरकार ये सब काम करनी चाहिए? देखो जो 10 साल में मोदी जी ने काम किया है वो तो टेलर था, टेलर पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो बहुत अपने को देश को आगे लेके जाना है। इसके लिए मोदी जी को फिर से एक बार 400 सीटों से ऊपर जीता के अपने मोदी जी को पंतप्रधान बनाना है। चलिए मिलिंद वाडेकर जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो अभी बताए अपने पक्ष रखे, हम कुछ और लोग से भी जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामपाल है। श्यामपाल जी आप बताइए कि इस बार क्या माहौल है, कौन जीत के आ रहा है? माहौल एकदम पॉजिटिव है, माहौल एकदम एक नंबर है, और ये हमारे महायुति के उम्मीदवार रविंद्र वाडेकर जी ये भारी मतों से विजय होकर आएंगे। सर किन किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, क्या क्या है, यानी मुद्दा आपने रखा है? मुद्दा है डेवलपमेंट का मुद्दा है एसआरए का मुद्दा है, और मुद्दा है जो पानी है, जो सड़क है, मेट्रो की सुविधाएं कैसे हो सके, यातायात की सुविधाएं कैसे हो सके, उन सब मुद्दों पे ये इलेक्शन हो रहा है। और ये देश का इलेक्शन है, राष्ट्र का इलेक्शन है, तो उस मुद्दे पे इलेक्शन हो रहा है। चलिए देश का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है, डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें तो नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, किसने किया है? जो आरोप लगता है कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बात करके इस तरह के काम चलाते हैं। देखिए सर जो जिन लोगों ने आरोप लगाया के टाइम ही करते हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया उनका काम ही वही है, उन्होंने वही किया है 70 साल, इसके लिए उन्होंने वही वो आरोप लगा रहे। जातिवाद का सबसे बड़ा जो भी कांड जिन्होंने किया है वो कांग्रेस वालों ने किया है, तो उनके पास और मुद्दा है ही नहीं, और आज भी वो उसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रही है बस। नहीं ऐसा भी आरोप है कि आप लोग फूट डालो, राज करो, ये करते हैं, जैसे शिवसेना तोड़ दिया, कांग्रेस तोड़ दिया, और तोड़ फोड़ करके ही और ईडी का दम डर दिखा करके आप इस तरह का कार्य करते हैं। देखिए सर जिन लोगों ने 70 साल शासन किया है, 60 साल शासन किया है, उन लोगों ने क्या किया है सबको पता है, उनका इतिहास क्या है, पार्टी किसने तोड़ा है, पार्टी किसने बनाया है, किस तरह से उन्होंने परिवारवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया। बोले गद्दारों की पार्टी के साथ आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं नहीं गद्दारी तो उन्होंने किया, जिन लोगों ने हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, हमारे साथ मिलकर वो सरकार में आए, सरकार में आने के बाद उन्होंने हमें तलाक दे दिया, तो किसने गद्दारी किया? आपको तलाक दे दिया, 3 तलाक ही खत्म कर दी बिल्कुल, और जबकि हमारी सबसे ज्यादा सीटें थी, हमारी सबसे ज्यादा सीटें थी, तभी भी हमने युति का जो भी गठबंधन धर्म हमने अपनाया, लेकिन उन लोगों ने उसे बिल्कुल भी दरकिनार करके उन्होंने दूसरों के साथ जिनके खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा उनके साथ जाकर उन्होंने सरकार बनाई, तो गद्दारी तो ये हुई वोटरों के साथ। आपके हिसाब से गद्दार तो वो है जो हमको बहुमत और अधिक सीट होने के बाद भी कहीं और जाके चिपक गए? बिल्कुल, इसलिए आपको तलाक दिया तो आपने 3 तलाक को ही खत्म कर दिया। बिल्कुल 3 तलाक तो खत्म होना ही चाहिए था, ये बहुत ही गलत तरीके सामाजिक। अच्छा देखिए अभी आज समझ में आया है कि 3 तलाक को मोदी जी ने क्यों खत्म किया,